भैया जी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सही लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 12 बोल्ट DMX न्यूट्रल कट चेजा कंट्रोलर कनेक्शन के बारे में। ठीक है, तो इसका कनेक्शन कैसे करते हैं? आप लोग देख रहे होंगे हमारे हाथ में कंट्रोलर है, ठीक है, DMX कंट्रोलर है हमारा न्यूट्रल कट वाला। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे 1 से लेकर 16 तक पोर्ट है इसमें, ठीक है। और पॉजिटिव हमारा V+ लिखा है, और जहाँ पर G- लिखा है, -G लिखा है, वो हमारा ग्राउंड है, ठीक है। और आपको बता दें इसमें काफ़ी सारे फीचर दे रहे हैं, तो आपको फीचर के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो अब आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। पहले इसमें क्या क्या यूज़ होता है कनेक्शन करने के लिए ये बताएंगे, ठीक है। तो आपको 2.5 एम की वायर की आवश्यकता पड़ेगी, आप लोग देख रहे हैं 2.5 एम की वायर है, और वायर स्ट्रेपर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है, एक पतली सी वायर लेना है आपको, जिसमें से हम लोग 16 पोर्ट निकालेंगे इस वायर से, ठीक है। तो आपको आप कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 16 एम फिक्सर बिछाएंगे, क्योंकि हमारे ये कंट्रोलर है, 1 पे 2 चला सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें हम लोग 1 पे 1 चला रहे हैं, तो 16 पोर्ट है, तो 16 ही के उसमें लगाएंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इसमें रेड कलर का लेके प्लस प्लस का कॉमन कर लेना है, फिर उसके बाद हर माइनस का इसमें कंट्रोलर में देना है, ठीक है। फिर कंट्रोलर पावर सप्लाई का कनेक्शन करके दिखाएंगे। और आपको बता दें कि इसमें हम लोग पावर सप्लाई हाईलाइट कंपनी की यूज कर रहे हैं, 100 वाट की, ठीक है। तो ये 100 वाट की 2 पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं, इन दोनों को कैसे जोड़ते हैं ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना। और आपको अगर ये कंट्रोलर चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे पास से फिक्सर से रिलेटेड जो भी आपको चीज़ चाहिए हर आइटम हमारे पास से मिल जाएगा, ठीक है। अब आप लोग क्या करना है, इसके कनेक्शन को देखना अच्छे से, फिर कनेक्शन करके आप इसकी डिज़ाइन एंजॉय करना। आप लोग देख रहे हैं कि हम पहले इसमें पॉजिटिव कॉमन करेंगे, ठीक है। कॉमन का मतलब सब फिक्सर LED का पॉजिटिव जोड़ देंगे इस बार 2.5 एम की बार में, ठीक है। तो आपको इसी तरह कनेक्शन करना है जैसे हम इस वीडियो में बता रहे हैं। फिर इसके बाद प्रत्येक झालर में से पोर्ट निकालेंगे, फिर बाय पोर्ट हम कंट्रोलर में देंगे, फिर पावर सप्लाई का भी कनेक्शन करेंगे, और 2 पावर सप्लाई को कैसे सिंक करते हैं ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको इस वीडियो में मज़ा आने वाला है। डिज़ाइन भी हम लोगों ने बहुत अच्छी डिज़ाइन डाली, यह कंट्रोलर न्यू बनाया है। अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप हमें कर सकते हैं आप, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कि हमने पॉजिटिव कॉमन कर लिया, ठीक है। हर फिक्सल का पॉजिटिव इसे एक बार में जोड़ दिया। अब हर पोर्ट 16 पोर्ट का कंट्रोल है, तो 16 पोर्ट निकालेंगे हर झालर से, ठीक है। तो हर झालर का नेगेटिव में से आपको ये बार निकालना है, तो हम लोग नंबर बाय नंबर से निकालेंगे। फिर उसके बाद पावर सप्लाई और कंट्रोलर कनेक्शन करके बताएंगे, वो कंट्रोलर के फीचर आपको बताएंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना, और इसमें डिजाइन भी एक नंबर निकलेगी, ठीक है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि हमने 16 ही पोर्ट निकाल लिए, ठीक है। अब पोर्ट कैसे निकाले, इसका एक माइनस उठा के हम लोगों इसमें लिया है, नंबर वे नंबर स्टार जो हमारे पहले झालर का है, तो पहले पोर्ट में लगा, ठीक है। इसी तरह से आपको लगा लेना है, और 1 से लेकर हमारे 16 तक पोर्ट है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो V+ लिखा है हमारा पॉजिटिव है, और G- लिखा है हमारा नेगेटिव है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पावर सप्लाई में से पावर दे देना है। LN हमारे ये निकला है पावर सप्लाई में से, और यहाँ पर 2 वायर लगाए हमने, 1 वायर हमारा उस कंट्रोलर में गया, और 1 वायर हमने इसमें डाला, ठीक है। एक हमारा सेटअप का पॉजिटिव आया, आप लोग देख रहे होंगे, और एक हमारा इस कंट्रोलर में गया, एक एक कंट्रोलर में गया, यह हम लोगों ने कॉमन कर दिया। और आपको बता दें 2 पावर सप्लाई यूज की हमने, 1 पावर सप्लाई यह जुड़ी हमारी, 1 पावर सप्लाई हमारी यह जुड़ी, ठीक है। वहाँ पर माइनस प्लस में लगाना सेम, और यहाँ पर माइनस प्लस में लगाना है। अब आते हैं कंट्रोलर के फीचर वाले में, फीचर इसमें क्या क्या हैं, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर लिखा है -G LA CK और NO और बोल्ट, ठीक है। यह हमारा जब आप 3D रोड सीलिंग बनाओगे तो उसके लिए आपको एक काम आएगी। यह रेगुलेटर का बटन दिया गया है, इसे आप स्पीड तेज मर्जी कर सकते, और यह दिया है AB और AB, ठीक है। यहाँ से आप लोग मास्टर कंट्रोलर मानोगे तो दूसरा वो सिंक करना है आपको, तो मास्टर यह रहेगा, तो यहाँ से A और B निकाल के वहाँ पर A और B में दे देना, ठीक है। और इसमें ए
ये हमारा जे गया है तो इससे कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। जब आप सिंक करोगे तो जब इसका उपयोग होता है, और यहाँ पर आपको बता ही दिया पावर कब आया है, और यहाँ पर हमारे पोर्ट निकले हैं। अब आप लोग इसमें डिजाइन एंजॉय करना, ठीक है। अब इसमें एक नंबर डिजाइन डली है दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि हमारा सेटअप ओपन हो गया, ठीक है। तो इसमें एक नंबर डिजाइन डली है, आप लोग डिजाइन एंजॉय करना। और अगर आपको एक कंट्रोलर चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें, ठीक है।